गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल गवर्नमेंट थी, प्रोजेक्ट जो है पावर प्रोजेक्ट इन्होंने ही उस वक्त दिए थे, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में आप देख रहे हो प्रणाई प्रोजेक्ट का काम जो है बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। उड़ी का प्रोजेक्ट जो है कमीशन हो चुका है, 24 आवर्स बिजली जो है हमारे लोगों को मिल रही है, और आने वाले वक्त में भी बिजली की इम्प्रूवमेंट होगी। कुछ वजह से बारिश होती है या मौसम खराब होने के कारण किसी दिन बिजली नहीं आती या कोई ग्रिड स्टेशन खराब होने के कारण, अदरवाइज आप देख रहे हो कि वोल्टेज का यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम है, बिजली 24 आवर्स हमें मिल रही है। और मोदी गवर्नमेंट में आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी सरकार आती है तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे वो 500 यूनिट बिजली तक फ्री देंगे, जो ये बात इन्होंने की है। जब तक इनकी गवर्नमेंट रही पावर में ये रहे, इन्होंने किसी को फ्री बिजली नहीं दी, और ये भी सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिटें जो है वो फ्री में देंगे। कश्मीर का सेब उबाय से जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है कश्मीर का सेब। ने मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहता हूँ कि आप पत्नीटॉप में आके बैठिए, आप उधमपुर में बैठिए, आप काजीगुंड में बैठिए, अगले महीने से आप एक महीने का वहां पर डाक बंगलों में कमरा ले लीजिए और रोड पर कुर्सी लगा के बैठो और गिनना शुरू करो कि कश्मीर से कितने ट्रक जो है वो श्रीनगर से दिल्ली के लिए, बम्बे के लिए और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। कश्मीर का सारा सेब जो है हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाता है, और जितना बेस्ट क्वालिटी का सेब है दुनिया के अलग अलग कोनों में जा रहा है, और उस पर इतनी सहूलत है। पिछले साल एक दो दिन कहीं किसी वजह से ट्रक रुक गए, लेकिन मोदी सरकार ने इमीडिएटली कहा कि बाकी गाड़ियों को रोक दिया जाए, बाकी कार्रवाई रोक दी जाए और सेब की जो है सप्लाई जो है इमीडिएटली बहाल की जाए। कि दरबार मूव एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, इसमें करोड़ों रुपए के हिसाब से अगर एक गाड़ी में एक डिपार्टमेंट की फाइलें आती थी तो 10 ट्रक शो करके ये लोग खाते थे पैसे। जितनी देर भी यहाँ पर 70 साल इनकी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो पीडीपी की गवर्नमेंट हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो, सबसे बड़ा फ्रॉड जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मूव था। तो दरबार मूव में हजारों ट्रक ये शो करते थे कि कश्मीर से श्रीनगर आ रहे हैं, और श्रीनगर से जब दरबार मूव जम्मू में होता था उस वक्त ये शो करते थे, और जब जम्मू से दरबार मूव श्रीनगर जाता था अरबों रुपये निकलते थे। हमारी मोदी गवर्नमेंट ने यह खत्म कर दिया है, अब डिजिटल जमाना आ गया है। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आज जितनी भी एम्प्लॉयज की सर्विस बुकें हैं वो सारी डिजिटल हो गई हैं, उनको कंप्यूटराइज किया गया है। डिपार्टमेंट के जितने भी अलग अलग फाइलें होती हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, वो सारे जो हैं वो प्रिजर्व करके रख दिए गए हैं। अगर कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू में बैठेगा, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट असेस करना होगा श्रीनगर से, उसके अपने साथी को कंप्यूटर से कहेगा, एक सेकंड में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो उसको सारे के सारे ऑर्डर, किसी भी फाइल के, किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मिल जाएगी। और ये इतना बड़ा ब्लंडर जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा होता रहा है वो खत्म हो गया है। और ये जो कहने जा रहे हैं कि हम दोबारा दरबार मूव पर करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये कभी दरबार मूव में पूंछ मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो कि वक्तन वक्तन आप हमारे पास आते हैं और पूंछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट को आप हाईलाइट करेंगे। आप देखिए कि इलेक्शन का जो माहौल बिगड़ पड़ चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो जो कल निकला है उसके भी जो है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर्ड सीईओ सुदर्शन जी ने आपको बता दिया है। लोकेश शर्मा जी ने बड़ी तफसील में बताया आपको कि ये जो मैनिफेस्टो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर फिर जो है पट्टी आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी दुगलियाँ जो पार्टियाँ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हो, इनके चक्कर में मत पड़े, इनकी बातों में मत आएं, और आप अपना मत दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम राशन फ्री देंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर ग्रुप को ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर 2027 तक जो है राशन मोदी गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है। और उसके बाद रही बात सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की, 14 करोड़ सिलेंडर जो है बीपीएल वालों को जो है वो मिल चुके हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये बताया गया कि हम सिलेंडर भी देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने जम्मू कश्मीर के बीच 70 साल राज किया, आपने लोगों को क्या सुविधा दी? सिर्फ बच्चों के हाथों में आपने गन पकड़ाई, पत्थर पकड़ाई और देश के विरुद्ध जो है कार्य कराए। आज मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के बीच, खासतौर कश्मीर के बीच, उन नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिया है, बल्ला दिया है, स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर कश्मीर के लोगों को जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट की सराहना की है। और आज मैं दूसरे कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे नौजवानों के ऊपर जो है सियासत खेल रही है। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि आप सियासत कीजिए, सच की सियासत कीजिए, लोगों को मत गुमराह कीजिए। आज हर एक बच्चे के पास, हर एक गाँव की भी जो है एजुकेशन है, एजुकेशन पहुंच चुकी है, जहां तक आपने नहीं पहुंचाई है वहां तक मोदी गवर्नमेंट ने पहुंचाई है। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे जम्मू कश्मीर को जो है आगे ले जाने की बात करें, बैकफुट पे मत लें। रही बात आज के मैनिफेस्टो पे जो हमने बात की है सीओ साहब ने, लोकेश जी ने, तो सरासर हम जम्मू कश्मीर के सभी निवासी, खासतौर भारतीय जनता पार्टी से कंडेम करती है कि ये जो मैनिफेस्टो है टोटली फ्रॉड है।
फ्रॉड के सवाल इनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि पास कुछ है ही नहीं है। जब ये ताकत में थे तब ये कुछ नहीं कर पाए, और आज ये बुखलाए हुए हैं। सिर्फ उनका एक ही माटो है, इनका एक ही लक्ष्य है, इनका एक ही एम है कि हम कब तक कुर्सी पर पहुंचे, फिर जम्मू कश्मीर को लूटने की कोशिश करें। तो भाइयों, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि जो इलेक्शन का बिगल बच चुका है, हमने बड़े सोच समझ के अपने भाईचारे को कायम रखकर हमने अपना मतदान करना है, और हमारा मतदान जो है जम्मू कश्मीर का जो है वो इतिहास बदलेगा। मोदी जी ने बड़ी कोशिश की इतिहास बदलने की, और बदला भी है, और जो अभी कमी रह चुकी है वो कमी जो है इस असेंबली इलेक्शन के बीच पूरी होगी। और हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर के बीच भारतीय जनता पार्टी जो है फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। प्रेस वार्ता थी डिस्ट्रिक्ट पुंछ बीजेपी यूनिट, जिसका मैं मुख्य प्रवक्ता हूं। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के बारे में बात की, कल जो जारी किया गया, जब हमने उस पर नज़र लगाई तो हमें उनका जो मैनिफेस्टो था झूठ के पुलिंदा के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। जैसे कि वो स्टेटहुड की बात कर रहे थे, 370 को वापस लाना है उसकी बात कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाना है, ऐसी बातें, और इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट ड्राइव वगैरह की बातें कर रहे थे। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें पता है कि हमारी कंडीशन क्या है। 370 के बारे में इन्होंने बात की, भाई पूरी दुनिया जानती है 370 राजेंद्र प्रसाद जी से पंडित नेहरू जी ने इनकॉर्पोरेट करवा दिया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तौर पर, जो एक टेम्परेरी था, 6 महीने के बाद उसे निरस्त हो जाना चाहिए था, नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, और लोगों के आंखों में धूल झोंक ली। 17 साल तक उस टूटे फूटे कार्ड को, छकड़े को खींचते रहे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। बाद में इसको हटा दिया गया, ये था ही टेम्परेरी, और ये भारत के इतिहास में पहली बात हुई कि जो छः महीने के लिए टेम्परेरी चीज़ थी वो 17 साल तक चलेगी। हमें अपनी डेमोक्रेसी पर विचार करना चाहिए, और इस तरह से इस 370 के बारे में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है बात कर रहे हैं कि हम उसको दोबारा लाएंगे। भाई लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, ये दोबारा आने वाला नहीं है। ये पार्लियामेंट में मेजोरिटी वोट से इसको ख़त्म कर दिया गया है, हालांकि ये सिंपली भी ख़त्म किया जा सकता था, क्योंकि ये टेम्परेरी चीज़ थी, और इसको इशू बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। तो मैं उनके बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में, वो सड़कों के बारे में, राशन के बारे में, वो सारी चीज़ें आजकल जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है। एक उन्होंने एक ऐसा मैनिफेस्टो में रखा है कि भाई ये जो ST स्टेटस पहाड़ियों को मिला है, हम इसको हटाएंगे। यार आप एक जिम्मेदार पार्टी हो जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने मैक्सिमम वक्त जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की है, और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोगों में मैक्सिमम आपके सपोर्टर थे, और आपने पहाड़ी बेल्ट में से सीटें निकालते रहे और तभी आपकी हुकूमत बनती रही। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शक हम पहले करते थे कि पहाड़ियों को ये ST स्टेटस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP कभी नहीं देंगी, क्योंकि मैं भी एक पहले मुलाजम था, तो हम उस एजिटेशन में, उस पूरी स्ट्रगल में हमें ये महसूस होता था कि ये 3 पार्टियां एटलीस्ट हमें ST स्टेटस देने के हक में नहीं है। खैर, सेंटर बदलने के बाद हमारी ये डिमांड पूरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और BJP की जितनी आइकमान है, उन्होंने हमारी बात सुनी, उनको समझ में आया और हमें अपना हक मिला। 40-45 साल स्ट्रगल करने के बाद हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो हमसे ये हक छीनना चाहते हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं अब्दुल्ला फैमिली के या उनके क्लोज एसोसिएट, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये आप मैनिफेस्टो से हटा दें, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव मटेरियल साबित हो सकता है आपके लिए। आपका पॉलिटिकल डिजास्टर होगा जम्मू कश्मीर में अगर पहाड़ियों को छीनने की कोशिश की। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, हाँ इतना ज़रूर कहूँगा उनको कि अगर आपको मैनिफेस्टो बनाना नहीं आता था तो अपने समाज के इंटेलेक्चुअल्स को बुला लेते, वो ठीक बना लेते आपके लीडरों से। शुक्रिया। अगर मैं जारी किया तो हम ये समझते हैं कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है उसमें दिमाग उन्होंने अप्लाई नहीं किया, किसी अनपढ़ आदमी ने मैनिफेस्टो बनाया है। तो सारी चीज़ें
जो मोदी सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है, जो उसमें चाहे आयुष्मान कार्ड हो जिसमें 5-5 लाख का जो है बेनिफिट मिल रहा है हमारे साथियों को, स्मार्ट सिटी की बात हो, जम्मू स्मार्ट सिटी पर ऑलरेडी काम चल रहा है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी पर ऑलरेडी काम चल रहा है, आप देख रहे हो नेशनल हाईवेज जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दिल्ली से कटरा तक और कटरा से श्रीनगर तक जो है नेशनल हाईवे बन रहा है, 4 लेनिंग बन रही है, जम्मू से पूंछ तक जो है वो डबल लेनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इस तरह छता पानी से जो श्रीनगर शपोइया में जो टनल बनना है उस पर काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में उस पर भी काम चलना शुरू हो जाएगा, इसके अलावा जम्मू पूंछ हाईवे पर बहुत सारे टनल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और एम्स की बात करें, जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप कठुआ के अंदर सांबा में एक नया एम जो है फंक्शनल हो चुका है, श्रीनगर में एम जो है वो चल रहा है, और इसके अलावा 10 मेडिकल कॉलेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फंक्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें सारी सुविधाएं 14 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के और उसमें जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोग हैं उनको जो है फ्री सिलेंडर जो BPL के अंदर आते हैं उनको मिला है, और 2027 दिसंबर तक फ्री राशन की सुविधा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑलरेडी दे दी जा चुकी है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें अगर मोदी गवर्नमेंट ने दे दी हैं तो ये कौन सा मैनिफेस्टो है जो इन्होंने निकाला, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा है कि पार्टियों को शेड्यूल ट्राइब जो है हम उसको स्क्रैप करेंगे, शेड्यूल ट्राइब जो है वो हम खत्म करेंगे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट पावर में आती है तो पार्टियों का शेड्यूल ट्राइब हम उसको खत्म करेंगे। तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि पिछले 70 साल में आज तक जितनी भी गवर्नमेंटें बनती रहीं, चाहे उसमें रफीक खान साहब थे, मुश्ताक बुखारी साहब थे, शरीफ तारक साहब थे, निसार खान साहब थे, वो गवर्नमेंट में शामिल थे और इनको हमें बेवकूफ़ बनाया गया जम्मू कश्मीर की जनता को, जो पहाड़ी लोग थे, कि हम आपको शेड्यूल ट्राइब देंगे। 2 बार जो रेजोल्यूशन पास होके इनके, मेरे पास, मैं पहाड़ी वेलफेयर फोरम का स्टेट का प्रेजिडेंट रहा हूँ, मेरे पास फाइलें हैं जिसमें उमर साहब के भी साइन है और इसके फारूक अब्दुल्ला के भी साइन है, इन्होंने कई बार रिकमेंड किया है, और इसका मतलब ये बेवकूफ़ बनाते रहे 70 साल से हम लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ी लोगों को जागने की जरूरत है, इन्होंने हमें बहुत देर तक बेवकूफ़ बनाया है, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने हमारी 70 साल पुरानी जो है डिमांड पूरी की है, हम BJP गवर्नमेंट के इतने शुक्रगुजार हैं हमारे, अगर हमें अपने आपको भी कुर्बान करना पड़े BJP गवर्नमेंट के लिए, हम अपने आपको कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की तरफ देखा भी गया तो जो आदमी हमारे शेड्यूल ट्राइब को हटाने की कोशिश करेगा तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वसूख से कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि पहाड़ी लोग आने वाले असेंबली इलेक्शन में, जिसका नतीजा 4 अक्टूबर को आएगा, वो ये बता देंगे कि पहाड़ियों के साथ छेड़ने का इनको इंजाम जो है वो इस पर वो बात करेंगे, और वोटिंग करके ये बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ पिछले 70 सालों से सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा ही किया है।